व्हाट्सअप गाइस। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को कुछ इसी टाइप की फोटो को एडिट करना सिखाने वाला हूँ, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं केवल लाइटरूम ऐप की मदद से। तो जो भी भाई इस वाले वीडियो को ना शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेगा वो भी लाइटरूम ऐप का यूज करके कुछ इसी टाइप की कमाल की फोटो को एडिट कर लेगा। और मैं 110% लिख के देता हूँ ना कि वीडियो के लास्ट में आप ऐसा फोटो को एडिट कर ही लेंगे। तो आप लोग वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। और सबसे अच्छी बात यह है ना कि वीडियो के लास्ट में मैं आप लोग को जस्ट वन क्लिक में भी कुछ इस टाइप की फोटो को एडिट करना सिखा दूंगा। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा, उससे पहले अपनी गैलरी से ओरिजिनल फोटो को लेके और इसकी शेयर के आइकन पे क्लिक करके इस फोटो को लाइटरूम के अंदर शेयर कर दीजिएगा। और मैं सीधे लाइटरूम ऐप को ओपन करता हूँ, वहां पे आपको सारी प्रोसेस बताता हूँ। व्हाट्सअप गाइस, जैसे ही आप लाइटरूम ऐप को ओपन कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप की इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ऑल फोटोज के आइकन पे क्लिक करके अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा। और गाइस इसी फोटो को हम लोग एडिट करेंगे और आपको भाई इतना आसान तरीका बताएगा जो कि पूरे यूट्यूब पे आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। और वीडियो के एंड में आपका भाई जस्ट वन क्लिक में भी एडिटिंग सिखा देगा। तो सबसे पहले वाले स्टेप में साइड में हम लोग ऐसे स्क्रॉल करेंगे और सबसे पहले इसकी कलर्स के आइकन पे क्लिक करेंगे। कर लेने के बाद सबसे पहले इसकी टेम्प की वैल्यू हम लोग इंक्रीज करके प्लस साइड में 12% कर देंगे। देन दोस्तों इसकी टिंट की वैल्यू भी हम लोग डिक्रीज करके -12 कर देंगे। और उसके बाद इसकी वाइब्रेंस की वैल्यू भी इंक्रीज करके प्लस साइड में 12% कर देंगे। और यहाँ पे जो भी आप लोग को सेटिंग दिख रहा है ना, सेम आप यही सेटिंग रखिएगा अपने फोटो के अंदर, तभी आप सेम कलर की फोटो को एडिट कर पाएंगे। और ये सारी सेटिंग कर लेने के बाद आप लोग को क्या करना होगा, मिक्स टूल के बगल में ग्रेडिंग के आइकन पे आपको टैप करना होगा और सिंपली आप लोग को ऐसे स्क्रॉल करके हाईलाइट वाले सेक्शन में चले जाना होगा। और जाने के बाद अपनी फिंगर से पकड़ के कुछ इस टाइप से आप घसीट के इसे ब्लू साइड में कर दीजिएगा, जिसकी ह्यू की वैल्यू 210 रखिएगा और इसकी सेचुएशन की वैल्यू 49% रखिएगा। और इसको सिंपल से आप यहां से डन क्लिक कर दीजिएगा। और वीडियो को आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा, तभी आप फोटो को एडिट कर पाएंगे। देन दोस्तों इसके बाद आप लोग को मिक्स टूल के आइकन पर क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने यहाँ पे बहुत सारे कलर्स नजर आएंगे और इन्हीं कलर का मैं यूज करके ना टोन को क्रिएट करना बताने वाला हूँ। तो आप लोग यहाँ पे वीडियो को अच्छे तरीके से बस देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग ग्रीन कलर को सिलेक्ट करके इसकी सेचुएशन की वैल्यू इंक्रीज करके 100% करेंगे। लूमिनस की वैल्यू भी इंक्रीज करके इसे भी प्लस साइड में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बढ़ा के ना इसे बढ़ा के हम लोग 85% कर देंगे। और इसकी ह्यू की वैल्यू पूरा डिक्रीज करके -100 कर देंगे। देन दोस्तों ये सेटिंग कर लेने के बाद ना सिंपल से आप लोग को यहाँ पे येलो कलर को लेना होगा और इसकी भी सेचुएशन की वैल्यू थोड़ा सा इंक्रीज करके प्लस साइड में 41% कर दीजिएगा। और इसके बाद आप लोग को क्या करना होगा, ब्लू कलर को लेना होगा और इसकी ह्यू की वैल्यू ऐसे डिक्रीज करके -35 करके सिचुएशन की वैल्यू 100% कर लीजिएगा। और आपका भाई जेनुअन तरीका बता रहा है, बिल्कुल जेनुअन। तो वीडियो को अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा। सिंपल से यहाँ पे ऑरेंज कलर को लेके इसकी सिचुएशन की वैल्यू कम करके इसे -19 कर दीजिएगा। लूमिनस की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 14% करके सिंपल से आप लोग डन क्लिक कर दीजिएगा। और डन आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो हम लोग का पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम लोग का 3 स्टेप बाकी है, उसके बाद आपका भाई जस्ट वन क्लिक में फोटो को एडिट करना सिखा देगा। तो सिंपल से दूसरे वाले स्टेप के अंदर लाइट वाले आइकन पे क्लिक करके इसकी कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू डिक्रीज करके यहाँ पे माइनस साइड में हम लोग 22% करेंगे। हाईलाइट की वैल्यू डिक्रीज करके -100 करेंगे। शैडो की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 16% और इसकी ब्लैक्स की वैल्यू ऐसे डिक्रीज करके -42 कर देंगे। और ये सेटिंग आप जैसे ही कीजिएगा तो आपका दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना सारा काम कर लेने के बाद तीसरे स्टेप के अंदर सिंपल से हम लोग यहाँ पे डिटेल्स के आइकन पे आएंगे और इसकी शार्पनिंग की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 37% कर लीजिएगा। मास्किंग की वैल्यू इंक्रीज करके 38% और इसकी नॉइस रिडक्शन की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 23% करके नीचे आ जाइएगा। और इसकी कलर नॉइस रिडक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज करके 26% करके पूरा नीचे आके ना स्मूथनेस को 100% कर दीजिएगा। और ये सेटिंग आप जैसे ही कीजिएगा तो ऑल्टू वाला आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से एडिट होके आ जाएगी, जो देखने में काफी ओसम एंड फारसी दिख रही है। तो गाइज हम लोग का यहाँ तक वीडियो अगर आप देख लिया है ना, तो अब आपका भाई ये बता दे कि कैसे जस्ट वन क्लिक में आप अपनी फोटो को एडिट करेंगे। तो उसके लिए सिंपल से आपको इस फोटो का प्रीसेट जो है ना मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से प्रीसेट को डाउनलोड करके जस्ट वन क्लिक में आप एडिटिंग कर सकते हैं। फोटो को सेव करने के लिए शेयर के आइकन पर क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर दीजिएगा, आपका फोटो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।